नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लार्क और स्टेनो पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टोटल 477 क्लार्क और स्टेनो पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपका क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, यानी कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एज लिमिट, आपको कितना फॉर्म फीस देना पड़ेगा, सब कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो वैकेंसी आया है ये वैकेंसी आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे क्लार्क और स्टेनो पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। एप्लीकेशन मोड जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें यहाँ पे दोस्तों, ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट यहाँ पे शुरू हो गया है 30 सितंबर से। लास्ट डेट की अगर हम बात करें यहाँ पे 21 अक्टूबर को रखा गया है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा और 21 अक्टूबर से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो वैकेंसी है, वैकेंसी डिटेल्स की, अगर क्लार्क की बात करें तो क्लार्क का 356 पोस्ट है, और अगर हम बात करें स्टेनो टाइपिस्ट की इंग्लिश तो यहाँ पे 48 यानी कि 48 पोस्ट है। आपका सैलरी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 10,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे के हिसाब से 3,200 आपको ग्रेड पे मिल जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे 18 से लेकर 37 साल रखा गया है। अगर आपका एज 18 से लेकर 37 साल के अंदर है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हो तो एससी एसटी के लिए 5 साल में एज में छूट मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 3 साल में, और अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल में एज में छूट मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो रखा गया है, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लार्क पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री ली है, उसके साथ साथ कंप्यूटर आपको काम करना आता है, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन इन कंप्यूटर, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स, दैट इज कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट 80 आवर्स फ्रॉम ए गॉप रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये स्टेनो के लिए दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है बैचलर डिग्री फॉर्म इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया इंस्टीट्यूट फॉर्म इन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्पीड सेट। यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया कि आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी एंड स्पीड सीट में एंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, 80 वर्ड पर मिनट आपका स्टेनोग्राफी में होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, नोट दिया गया है, द कैंडिडेट हु हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा और बैचलर और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नीड नॉट टू हैव आईसीटी स्किल कोर्स। अगर आपने बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में, उसके लिए आपको आईसीटी स्किल कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो होगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 1,000 रुपये रखा गया और एससी एसटी एक्सपीरियंसमैन के लिए यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, साथ ही साथ अप्लाई भी कर सकते हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है आप मुझे कॉमेंट पर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।